नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन सर जी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं गति के विश्लेषण से संबंधित सूचना लेके आया हूँ, जो कि आपको ये गति विश्लेषण के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैव यांत्रिकी विश्लेषण के कितने प्रकार होंगे? ये तीन प्रकार के होंगे जैव यांत्रिकी विश्लेषण। तो गुणात्मक विश्लेषण हो गया, संख्यात्मक विश्लेषण हो गया और जैव यांत्रिकी का काल्पनिकता हो गया। तो यह फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट रहेगा जैव गतिकी विश्लेषण कौन कौन से होंगे, प्रथम चरण होगा, द्वितीय चरण होगा और अंतिम चरण होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैव यांत्रिकी विश्लेषण के प्रकार के बारे में, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, गति विश्लेषण के विभिन्न लक्ष्य उद्देश्य होते हैं, लेकिन इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य बिना किसी हानि के नियमों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के कौशलों को खिलाड़ियों द्वारा सही ढंग से प्रभावित करता होता है। गति विश्लेषण दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैव यांत्रिकी विश्लेषण और जैव गतिकी विश्लेषण। यह मैंने बताया जैव यांत्रिकी विश्लेषण और जैव गतिकी विश्लेषण के बारे में। तो अब जैव यांत्रिकी विश्लेषण के बारे में चलेंगे। चलिए, जैव यांत्रिकी विश्लेषण के प्रकार। इनके अंतर्गत खेल के प्रशिक्षण अथवा खेल के दौरान खिलाड़ी द्वारा कौशल प्रदर्शन करते समय यांत्रिक विज्ञान का कौन सा नियम या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे कौशल को प्रदर्शित करते समय किस प्रकार का उत्तोलक लगा रहा है, न्यूटन के गति के विषयक कौन सा नियम कर रहा है, उसका केंद्र कहाँ है, इत्यादि प्रकार के नियम तथा सिद्धांतों को खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इसका किस प्रकार उपयोग किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप खिलाड़ी के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर इसका सुधार किया जा सके। जैव यांत्रिकी विश्लेषण को हम निम्न तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। गुणात्मक विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण, जैव यांत्रिकी काल्पनिकता। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा गुणात्मक विश्लेषण फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना। तो चलिए, जैव यांत्रिकी विश्लेषण के अंतर्गत गुणात्मक विश्लेषण सबसे सरल तथा कम खर्चीला होता है और अन्य विश्लेषण की तुलना में यह विश्वसनीय होता है। इस विश्लेषण के निमित्त हम आंखों अथवा कैमरे के लिए फोटो के आधार पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर उसकी त्रुटियों को ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विश्लेषण यह है कि हम कई कम समय में होता है। उसी से प्रकार वीडियो के चित्र उत्तराद भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सके, व्यक्त खिला कमियों निकाल सकते हैं। विश्लेषण के समय यह लेने वाला होता है, तभी इसका खर्च भी काफ़ी होता है। इसके कारण उपयोग प्रदर्शन के खिलाड़ियों के लिए किया जाता है, जिससे कि विजय भी पराजय को फैसला का कम अंतर में होता है। सेकंड पॉइंट रहेगा संख्यात्मक विश्लेषण। तो चलते हैं संख्यात्मक विश्लेषण की ओर। तो स्टार्ट करते हैं संख्यात्मक विश्लेषण काफ़ी विश्वसनीय तथा प्रमाणित है, चूँकि वर्तमान समय में विज्ञान का युग कहा जाता है और इस विज्ञान का अनमोल देन संगणन है। इस प्रकार का विश्लेषण के लिए संगणन की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत खिलाड़ी के द्वारा जो प्रदर्शन हो उसको हम इकाई की प्राप्त कर सकते हैं। इसको माप के द्वारा करने के लिए माइक्रोग्राम, तेज कैमरा गति विश्लेषण, संगणक इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। एक सेकंड में सैकड़ों चित्र प्राप्त कर लेता है। यंत्रों के द्वारा जो भी माप प्राप्त होता है उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर उसकी त्रुटियों को ज्ञात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम विश्लेषण कर उसके कमियों को सुधार करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अंतिम पॉइंट की ओर, जैव यांत्रिकी का काल्पनिकता के बारे में चर्चा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव यांत्रिकी विश्लेषण के अंतर्गत यह है, विश्लेषण करने का कोई ढंग नहीं है, फिर भी हम इसके सम्मिलित कर लेते हैं। इसकी सहायता से शिक्षक तथा प्रशिक्षक अपने चिंतन के आधार पर ही खेलों में नियम बनाते जाते हैं, जिससे सही प्रकार का उपयोग में लाते हैं, जिससे खेलों में कौशलों को बदलाव लाया जा सकता है तथा नए कौशलों का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य जैव यांत्रिकी नियमों तथा सिद्धांतों की सहायता से प्रशिक्षण तथा शारीरिक शिक्षक खेल के कौशलों को बदलाव या नया कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की ऊंचा बढ़ाना होता है। चलिए, पहले कुछ जैव गतिकी के बारे में चर्चा करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे इनके बारे में। तो चलिए, जैव गतिकी विज्ञान मानव की गतियों को सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करता है और इस प्रकार के विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के जैव मांसपेशी, हड्डी, उत्तोलक, तल, अक्ष इत्यादि को स्पष्ट याद हो। खिलाड़ियों द्वारा जब प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता के दौरान जब कोई गतिविधियाँ की जाती है तो उस गतिविधियों के दौरान कौन सी मांसपेशी कार्य कर रही है, कौन सी जॉइंट कार्य कर रही है,
उत्तोलक किस प्रकार का है, ईडीएम किस प्रकार की कार्य कर रही है, इसका विश्लेषण करते हैं तथा इस प्रकार के विश्लेषण में कम क्रम से साथ साथ उसी गति के भाग लेने की सीमा तथा स्थिति का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन यह है एक सर्वमान्य तथ्य है, इस प्रकार के विश्लेषण के लिए हमें शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी तथा जैव गतिविधि विज्ञान का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान हो तभी इस विश्लेषण के कार्यकर्ता सिद्धांत हो सकते हैं और विश्लेषण प्रभावशाली ढंग से कार्य करेगा। जैव गतिविधि विज्ञान के आधार पर हम कौशलों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, शरीर की स्थिति अवस्था, मौलिक कौशल, मौलिक दक्षता, विशिष्ट कौशल। जैव गतिविधि विज्ञान के विश्लेषण के लिए कौन प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम चरण में हम निम्न प्रथम चरण के बारे में चर्चा करने वाले, प्रथम चरण में क्या क्या चीज़ें होगी, फिर चलेंगे सेकंड चरण की ओर। तो प्रथम चरण में चलिए, प्रथम चरण में हम यह निर्धारित करते हैं कि कौशल की प्रकृति क्या है, वह साधारण कौशल है अथवा विशिष्ट है। इसका निर्धारण कर लेने के पश्चात कौशल को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है उसकी व्याख्या लिखी जाती है। इस चरण में कौशल की सभी प्रमुख बातें की व्याख्या की जा सकती है। द्वितीय चरण की ओर चलेंगे, द्वितीय चरण में जो भी जानकारी होगी अभी प्राप्त करते हैं। चलिए, जैव गतिकी विज्ञान विश्लेषण का यह चरण काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सभी मुख्य बातें इससे निहित हो जाती है। इस चरण के लिए शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव गतिकी विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि इस चरण में कौशल प्रदर्शित करते समय कौन कौन सी स्थिति, कौन कौन से जोड़, उत्तोलक इत्यादि प्रयोग में लाई जाती है तथा किस क्रमबद्धि को भाग लेते हैं इसकी व्याख्या होती है। चरण को हम तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम चरण, प्रारंभिक चरण बोलते हैं उसको, अवस्था, मुख्य अवस्था और गति अनुसरण। चलिए अंतिम चरण की ओर, अंतिम और लास्ट चरण रहेगा, अंतिम और लास्ट चरण के बारे में भी चर्चा करते हैं। इस अंतिम चरण के अंतर्गत खिलाड़ी के कौशल को उपयुक्त होने वाले मांसपेशियों का विवरण अर्थात विश्लेषण किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य के शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती है। इस प्रकार कौशल के प्रमुख होने वाली मांसपेशियों का विश्लेषण अवश्य किया जाता है जो मूल रूप से कौशल को प्रदर्शित करते हुए होता है, जैसे दौड़ने समय मांसपेशी फेटे और फिर मांसपेशी इत्यादि। गति विश्लेषण की तकनीक के बारे में कल चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए कल वीडियो के अंदर।